अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट काशिफ महमूद, और हमेशा की तरह आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं मास्टर्स ऑफ लाफ्टर्स, और प्रोग्राम पे बिठाएंगी सुरों का पहरा निमरा मेहरा, और कह कहों से गूंज उठेगी फिजा, क्योंकि ये है प्रोग्राम तंजो मजा। नाज़रीन, माहे रमजान है और रोजे का असल इम्तिहान शुरू होता है असर और मगरिब के वक्त। ये वो वक्त होता है जब हमें कुछ खाए पिए 12 से 14 घंटे हो जाते हैं और हमारे मेदे में आपोताप पड़ी हुई होती है, और जब ये आपोताप पड़ती है तो हमारे पारे जो हैं वो हाई हो जाते हैं। हम छोटी छोटी बातों पे लड़ना शुरू कर देते हैं, झगड़ना शुरू कर देते हैं, और आप यकीन कीजिए यहीं पे हमारे सब्र का इम्तिहान होता है, और हमारे रोज़े हमें यही सब्र सिखाते हैं। हो सख्त हो सख्त झगड़ों से अल्लाह बचाए, हो सख्त झगड़ों से अल्लाह बचाए, बदज़ुबानों से अल्लाह बचाए, सख्त झगड़ों से अल्लाह बचाए, बदज़ुबानों से अल्लाह बचाए। बूढ़े शहरी हो जाते हैं हैंडल, बूढ़े शहरी हो जाते हैं हैंडल, नौजवानों से अल्लाह बचाए, सख्त झगड़ों से ओ लगड़ बगड़ों से, ओ सख्त झगड़ों से अल्लाह बचाए, बदज़ुबानों से अल्लाह बचाए। बहुत ही जमान तक करावांगा सख्त झगड़ों से झगड़ों से। साड़ी झगड़ा होने थे, एक्सक्यूज मी केड़ा भाई, ये आपकी ताली का वक्त है, बहुत सी तालियां होनी चाहिए इनके लिए। शुक्रिया जनाब खान साहब, बड़े मियां दाद साहब और छोटे मियां दाद साहब बड़े अरसे के बाद आए हैं, कहां गायब थे आप लोग? बड़े अरसे के बाद थे इंज पूछन दे जिवें पहले सीधे किराएदार हुंदे सन यार। मेरा मतलब ये है कि हमारे प्रोग्राम में बड़े अरसे के बाद आए हैं। ओ भाई जान, असी इथे सा, तुसी नहीं सी बुलाउंदे। हां जी, असी केड़ा गायब हो गया, साडे ते केड़ा नैब दे परचे होए ने। हां या साडे केड़ा प्लेटलेस घट हो गए भी जेड़ा असी लंदन चले गए। नहीं बंदा पूछे, असी ते डरदे कदी यूरोप दे टूर ते नहीं गए क्योंकि ठंड हुंदी। खान साहब, आपने ये इन नौजवान का तारुफ नहीं करवाया, कौन है ये? ए साडे इकोनॉमिस्ट ने जी। योर इकोनॉमिस्ट? हाँ जी हाँ जी। आपके इकोनॉमिस्ट क्या होते हैं? वो समझे नहीं तुसी। हाँ। ए साडा चुकनाइजर है जी। एक सेकंड, ऑर्गेनाइजर तो हमने सुना था, ये चुकनाइजर क्या होता है भाई? ए चुकनाइजर पैसे चुकन वाला होता है जनाब। हाँ जी, और आज दा चुकनाइजर नहीं, एदे मां प्यो ने इनू 5 साल दा जदों घरों कढ दित्ता। क्यों? ਇਹਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਬੇ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਖਡਾਰ ਹੀ ਬਣੇ। अरे भाई, हालात तो ऐसे हो रहे हैं कि जैसे वो वापस आ रहे हैं। ओहो, काशिफ साहब, चंगा शो करने वास्ते अच्छा ऑर्गेनाइजर ते चंगा चुकनाइजर होना बहुत जरूरी। अच्छा, और ये आम चुकनाइजर नहीं ना, ए भाई जी स्पेशल फैसलाबाद चुकनाइजर लेके ओ आई सी। इसका मतलब है कि फैसलाबाद में कोई स्पेशल किस्म के चुकनाइजर होते हैं? लाओ, तुसी रफाकत अली खान की गल नहीं सुनी? नहीं। के फैसलाबाद के चुकनाइजर 100 दा नोट वेख के जंप लांदा है, 500 दा नोट वेख के कलाबाजियां लांदा है, वाह वाह, 1000 दा नोट वेख के पर कट के ड्राउन बन जाता है। लेकिन एक गल उन्होंने तो अनु नहीं दसी खान साहब। ओ केड़ी? 5000 दा नोट देख के कातल भी बन सकता है। दर फिटे मु तेरा एडे होए दा देखे जो उस्ताद जी, ए ओ बच्चा है जेड़ा चुकनाइजर नु गुनाह करण वाल रागब करदा है। किस तरह? देखो जे लोग दसदे ने के बेटे तू पैसे वाला थैला चुक ते मेन को आलू गोली मार जा। तो खवातीन औजारत, इस वक्त हुआ है हमारे सुपर डुपर मेहमानों से आपके तारुफ का। हमारे जो पहले सुपर डुपर मेहमान हैं, पाकिस्तान के बहुत ही नामवर एक्टर हैं। वाह, गुज़श्ता 25 सालों से ये हमें एंटरटेन कर रहे हैं, बहुत ही डेडिकेट किस्म के एक्टर हैं। आपकी बहुत सी तालियों में कामरान मुजाहिद। वेलकम वेलकम।
और हमारी जो दूसरी सुपर डुपर मेहमान है, सबसे पहले तो वो हमारा प्राइड है। क्या बात, क्योंकि हुकूमत ने उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा है। आप पाकिस्तान की बहुत ही मकबूल नात खां हैं और सूफी गायकी में आपका कोई सानी नहीं है। आप समझ तो गए होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूं। आपकी बहुत सी तालियों में शी इज द वन एंड ओनली हिना नसरुल्ला। सबसे पहले ये बताइए, आप दोनों से एक सवाल है क्योंकि माह रमजान चल रहा है। ये बताइए कि हिना जी, आपका रमजान कैसा गुजर रहा? रमजान बहुत अच्छा गुजर रहा है और आपका प्रोग्राम भी गाहे बगाहे देखते रहते हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है इस प्रोग्राम में आके। मुझे रमजान में मसरूफियत होती है, एक तो अपनी रिकॉर्डिंग्स चल रही हैं, एक मेरा इंशाल्लाह एक सूफी कलाम आ रहा है, उसकी कुछ तैयारी चल रही है इंशाल्लाह रमजान में। ओके, कामन, आप लाइफ चेंज होती है रमजान में या रूटीन ही रहती है? बिल्कुल होती है। जो खाना तो इकट्ठे बैठ के सभी खाते हैं। ओके, लेकिन समोसे बाहरों खाते हैं। जो जो खसूसन होता है ना कि सहरी और इफ्तारी, उसमें जो इकट्ठे बैठते हैं ना, बहुत सारे पुराने दोस्तों के साथ भी मुलाकात होती है, वो बड़ा मजा आता है। लेकिन आपकी सेहत पे लग नहीं रहा कि इस साल आप कोई समोसे कचौड़ियां खा रहे होंगे? नहीं, वो आपको पता है, आप खुद एक्टर हैं, तो चेंज करना पड़ता है फिजिक को कैरेक्टर के मुताबिक। अभी ऐसे कैरेक्टर्स कर रहा हूं कि उसके लिए मुझे, लेकिन हां सब फिजिक दा कोई नहीं सोच दे ना, ना। ए ते जिथे रोजा खोल रहे होवे दो कचोरियां खा लेंदे ने, छेब जेब च भी पा लेंदे ने। इना जी ये बताइए कि माशाल्लाह बहुत मसरूफियत रहती है आपकी, मुझे ऐसा लगता है कि रमजान में आपकी मसरूफियत ज्यादा बढ़ जाती होगी क्योंकि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि खूबसूरत नात सुने और नात आप जिस तरह पढ़ती हैं, तो क्या मसरूफियत आपकी बढ़ जाती है चैनल्स पे? नहीं, मैं बहुत ज्यादा नहीं जाती, बहुत ज्यादा सिलेक्टिव होता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ मतलब और लोगों को आप हमारे पास आ गई हैं। मैं चाहती हूँ कि और लोगों को भी मौका मिलना चाहिए जो हमारे, तो मेरी कोशिश होती है कि जो भी मुझे बेहतर लगे मैं उसमें जरूर परफॉर्म करूं। अल्लाह ने इनको ऐसी प्यारी आवाज दी है, क्या कहने, क्या बात भाई। माँ बाप ने मोतियों का दान किया हो तो ऐसे बच्चे होते हैं। माँ बाप ने मोती दान किए हो तो ऐसे बच्चे होते हैं। माँ प्यो ने उधार लेके वापस ना किया होवे तो ऐसे बच्चे होते हैं। क्या बात, अगर मरे बंदे के कपड़े लिए हों तो ऐसे। और सात नस्लां ने अदालत च झूठियां कसमां चुकियां होण ते ऐसे बच्चे पैदा। चामल, आजकल बताइए किन प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है? आजकल ज्यादातर काम फिल्म्स पे हो रहा है। अच्छा, हाँ जी, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 3 फिल्म्स जो हैं वो माशाल्लाह मेरी हैं। अच्छा, ये बताइए कि कुछ अरसे से ऐसा फील हो रहा है जैसे आप बहुत ही सिलेक्टिव किस्म के काम कर रहे हैं टीवी में, ये हकीकत है या इसके पसे पर्दा कुछ और कहानी है? सरकार लाहौर रहिंदे ने, आते लाहौर सिलेक्टिव काम में। अरे भाई, लाहौर में रह के सिलेक्टिव काम करना हमारी मजबूरी है। जी जी जी, क्योंकि लाहौर में काम ही बहुत कम। जी कामरान, नहीं वो गैप इसलिए है, एक तो स्क्रिप्ट, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि थोड़ा सा स्क्रिप्ट देखता हूँ मैं तो, और दूसरी रीजन ये भी है कि फिल्म्स कर रहा हूँ। ओके, तो मुझे लगता है कि फिल्म के लिए आपको टीवी स्क्रीन पे थोड़ा सा गैप देना चाहिए। ओके ओके, ताकि आपका व्यूअर आपको जो घर में बैठ के फ्री में देख रहा है तो सिनेमा वो टिकट। कब रिलीज हो रही है आप फिल्म? एक तो बकरीद पे अच्छा रिलीज हो रही है, दूसरी जो है वो उनकी अभी डेट्स नहीं हुई। चले, ऑल द बेस्ट, हम विश करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। हिना जी, सुना कि आपके भाई माशाल्लाह हमारे मुल्क के बहुत ही मारूफ नात खवां हैं, आपकी इंस्पिरेशन वो थे? जी, उनको ही बचपन में सुनती रहती थी और उनसे ही मैंने बहुत कुछ सीखा नात के हवाले से, और उतार चढ़ाव, अदब अदाब, सब चीजें उनसे सीखी। घर का माहौल जो है बड़ा काउंट करता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। खास साहब, आपके भी तो कोई 5-6 भाई थे, वो आपके नक्शे कदम पे नहीं चले? नहीं नहीं, वो सारे गैरतमंद ने। मतलब यानी खुददार ने, वो कहंदे भरा ते बोझ जरूर बनना। पढ़े लिखे लोग, तुहाडा जिहड़ा छोटा भाई MBA कीता ना, MBA करके ते माल रोड वाला इशारा वेख्या, खुसरा बन के मंगदा हो गया। उस तो छोटे ने तरक्की की थी। अच्छा, उसने क्या किया? वो इंग्लैंड हुंदा है। अरे वाह, फिर तो सेटल्ड होगा वहां। नहीं नहीं, उदियां लत्तां नहीं गईयां, उत्थे मंगदा है। चलो, जहां पे दो के बारे में बता दिया, ये बताओ कि तीसरा क्या करता है? हुण मजाक नहीं, सीरियस दस। सही दसेगा तो तेरी कनाडा हुंदा है। अरे वाह, वहां कनाडा में तो तकरीबन सभी लोग खुशहाल होते हैं। नहीं नहीं, वो अंडरपास के अंदर गिटार बजा के ते मंगदा है। वो भाई को सही काम भी करता। चौथा क्या करता है? चौथा जी मैं दसना। जी जी,
ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਜਵਾ ਕੇ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਭਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੈਦਲ ਟੁਰ ਟੁਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਹੀ ਐਡੇ ਧੂੜ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮ ਦੀ ਖਵਾਤੀਨ ਔਜ਼ਾਦ ਇਸ ਪੇ ਲੇਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਾ ਬ੍ਰੇਕ ਕਈ ਮਤ ਜਾਈਏਗਾ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੰਜ਼ੋ ਮਜ਼ਾ ਜੀ ਤੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਉਹ ਤੱਕਦੇ ਰਾਵੇ ਉਹ ਕੁਛ ਭਿਜਵਾਵੇ ਤੱਕਦੇ ਰਾਵੇ ਉਹ ਕੁਝ ਭਿਜਵਾਵੇ ਅਸਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤੂੰ ਨੇਕੀਆਂ ਕਮਾ ਸ਼ਾਮਾ ਪੈ ਗਈਆਂ ਵਿਆਹ ਜਾ ਸ਼ਾਮਾ ਪੈ ਗਈਆਂ ਪਕੌੜੇ ਭਿਜਵਾ ਸਮੋਸੇ ਭਿਜਵਾ ਸ਼ਾਮਾ ਪੈ ਉਹ ਦੁੱਧ ਛੋਟਾ ਭਿਜਵਾ ਸ਼ਾਮਾ ਪੈ ਗਈਆਂ ਆ ਜਾ ਸ਼ਾਮਾ ਪੈ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਭਿਜਵਾ ਸ਼ਾਮਾ ਪੈ ਉਹ ਸਭ ਲਿਆ ਸ਼ਾਮਾ ਪੈ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਮੁਕਵਾ ਸ਼ਾਮਾ ਪੈ ਗਈਆਂ ਵਿਆਹ ਜਾ ਸ਼ਾਮਾ ਪੈ खवातीन औजाद नाज़रीन मुझे पता है कि इनका गाना सुन के आपका टेस्ट जो है आपके कान जो है वो बहुत ही अजीबो गरीब महसूस कर रहे होंगे लिहाजा आपके कानों को समात को एक खूबसूरत आवाज़ सुनवाते हैं और आपकी बहुत सी तालियों में हम हिना जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि कोई भी सूफी कलाम जो है वो आज हमें सुनाएं आपकी बहुत सी तालियों में हिना नसोला अव्वल हम्द सना इलाही जो मालिक हर हर दा उस दा नाम चतारन वाला किसे मैदान ना हरदा जे देखो मैं अमला बल्ले वाह 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 कुछ नहीं मेरे पल्ले जे देखो तेरी रहमत बल्ले ते बल्ले 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 एक गुना मेरा माँ पे वेखे ते दे वे देस निकाला लख गुना मेरा अल्लाह वेखे ओ परदे पावन वाला ते मैं अन्ना ते तिल कन रस्ता दे वे कौन संभाला तके दे वण वाले बोते ते तू हथ पकड़न वाला चंगी सूरत ते आशिक होना का दिए दानाई आशिक बन तू उस सोने दा जिसे शकल बनाई ते फस गए जाड़ शिकंजे शिकंजे अंदर
जू वेले विच गन्ना रो के अज रो मुहम्मद अज रवे तद मन्ना सह सह जोड़ संगत दे डिठे आखिर विथा पईया ते जिन्ना बाज एक पल नहीं सरेंदे ओ शक्लां याद ना रहिया जिन्ना बाज एक पल नहीं सरेंदे ओ शक्लां याद ना रहिया ते बेली बेली सब जग आखे ते मैं भी आखा बेली उस वेले दा कोई नहीं जे बेली जिदो निकले जान अकेली ते तू ते सब जग बेली मौला तू बेली ते सब जग बेली अन बेली भी बेली सजना बाज मुहम्मद बख्शा सुंजी पई हवेली सजना बाज मुहम्मद बख्शा सुंजी पई हवेली ते ले ओ यार हवाले रब दे ते मेले चार दिना दे उस दिन ईद मुबारक हो जिस दिन फिर मिलांगे लाजिम खबर तीनों साथ मैंने अक्सर देखा है कि शायद ये फैशन बन गया है कि जब भी कोई सूफी कलाम होगा तो हमने वाह-वाह करनी है अक्सर देखा ऐसा है लेकिन जिस सूफी कलाम को कोई जब पढ़ता है जब उसकी समझ आती है तो असल में तब मजा आता है तो मुझे आज बहुत अरसे के बाद इनका तमाम पढ़ा हुआ कलाम जो है वो समझ भी आ रहा था तो मेरा ख्याल है कि हमें सूफीज्म के जो अंदर सबक है उस पे फोकस करना चाहिए और ये आज इन्होंने हमें सिखाया बहुत सी तालियां होनी चाहिए बहुत ही खूबसूरत कलाम क्या बात जो जो हमारी लाइफ है ना अब हमारे जो सूफी ग्राम है उन्होंने जो अपनी लाइफ गुजारी और उनके जो बुक्स हैं अगर उसको पढ़े हम तो हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होनी शुरू हो जाती है तमाम सूफी इकराम ने मोहब्बत बांटी है जी एहतराम बांटा है अच्छा साढ़े हाँ सब तो सूफी वेख के पागल हो जाते हैं कि इन्होंने देना है कुछ होना है इन्हों का सूफी हो रहा है ताकि कोई गल से दिल से नहीं लानी गल इंसानियत की हो रही है तुम ईजी हो जाए अच्छा कामन ये बताइए कि आपको सुना एक्टिंग का शौक नहीं था नहीं बिल्कुल नहीं था तो फिर आप इतने पुख्ता एक्टर कैसे बन गए अगर आपको शौक ही नहीं था वो अंबर मारिया एक प्ले था ओके उसके लिए शहजादा अंबर चाहिए था तो बच्चों के ऑडिशन हो रहे थे अच्छा तो मेरा भी ऑडिशन हुआ और पता नहीं 35 साल पुरानी बात होगी 35 साल नहीं 97 की बात चले 20 कर लेते हाँ जी चलो ठीक है 97 की बात है तो वो ऑडिशन में सिलेक्ट हो गया ओके और जब ड्रामा किया तो वो जब चला तो वो मेरे मोहल्ले में वाह वाह स्कूल में वाह वाह और खानदान में वाह वाह और आप तो रहते भी अंदरून शहर हाँ जी अंदरून शहर में छोटे खासा मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपके ख्याल में पानी वाला तालाब ज्यादा पुराना है या ये बड़े खासा पुराने हैं ज्यादा नहीं मैं पुराना यही कहना तू नहीं पानी वाला तालाब ज्यादा पुराना है अच्छा गंदा इन्हों की वजह तो अच्छा इस गल तो हसना नहीं चाहिए भला क्यों क्यों इन क्वालिटी कहते अच्छा सुना आपके आइडियल जो थे वो नबील पाजी थे
हाँ जी, क्योंकि मैंने देखा ही उनको था बस। अच्छा, धुआं ड्रामा ही बाकी किसी और को देखे थे तो काप का बिनाई चले जाते। नहीं, वो टीवी देखते नहीं थे ना। अच्छा। वो घर पे ये होता था कि रात 9 बजे के बाद टीवी नहीं देखना। ये ढेर सारे ड्रामे करने के बाद, इतने सालों के बाद काम करने के बाद आपको नॉन कमर्शियल थिएटर का ख्याल आ गया, ये क्या चक्कर है भाई? नहीं, 97 में मैं फील्ड में आया था, 2001 में मैंने जो है अजोका ज्वाइन किया था। अच्छा। उसकी रीज़न ये थी कि क्योंकि आज के दिन में तो हर जगह पे स्कूल में कॉलेजेस में एक्टिंग सिखाई जा रही है, उस वक्त नहीं थी, तो एक्टिंग सीखनी थी क्योंकि अच्छा, आपने बहुत सारा काम करने के बाद एक्टिंग सीखी है। हाँ, डायरेक्टर्स आपको पता है यूब खावर साहब, तो वो लोग बड़े लोग हैं। और फिर मेरा प्लस पॉइंट ये रहा कि मैं बड़े हमारे जो अच्छे एक्टर्स थे जैसे खयाम सरहदी साहब, नुमान एजाज साहब, फिर महमूद असलम साहब, इनके साथ काम करने का मौका मिला, फिर नुसरत ठाकुर साहब। हिना जी, ये बताइए कि ये तो आपने बताया कि आप के भाई आपके इंस्पिरेशन थे, लेकिन आपने ये जो गायकी है, ये जो फन है, बाकायदा कहीं से सीखा आपने? है तो ये गॉड गिफ्टेड, लेकिन मेरी भी खुशनसीबी रही है कि मेरा स्टार्ट पाकिस्तान टेलीविजन से था। अरे क्या बात। और एज अ चाइल्ड स्टार मैंने स्टार्ट किया था आंगन आंगन तारे से, सारे बच्चे बच्चे हमने बुला लिए, और हदीका क्यानी उसको होस्ट करती थी। अरे क्या। तो आई थिंक 20 साल मैंने म्यूजिक बहुत ज्यादा, माशाल्लाह, तकरीबन सारे बेस्ट कंपोजर जो थे पाकिस्तान के सभी के साथ काम, तब से शुरू हुआ आपका ये सिलसिला। जितनी खूबसूरत आपकी आवाज है, माशाल्लाह, मिठास भी है, सब कुछ है, तो फिल्मों में गायकी की ऑफर तो बहुत बहुत ऑफर, इंडिया से बहुत ऑफर रही है, पाकिस्तान से भी रही है, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये मेरे ऊपर जिम्मेदारी है कि अल्लाह ताला ने जो सलाहियत दी है इसको पॉजिटिवली लोगों तक पहुँचा सकूं, बुजुर्गान दीन के कलाम। बिल्कुल। और मैनू कर रही कि तुहानू कर रही? नहीं कर, मैनू रही है, मैं देख नहीं रहा। क्या कहना चाहती हो लड़की? तेन दसिया ना, जे कोई ऐसी गल है अपनी फोटो पेज उंज नहीं गल करदे उस्ताद जी, किसे दा इहनां दा पता तुहानू, इह रोज मर्चां लैण आ जांदी। मैं बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हूँ यहाँ का, आप लोग कभी कभी आते हैं, मैं रोज आती हूँ। मैं वाकई पहचान लिया, कोई गल नहीं, तुम सदका देना है ना उस्ताद होनी लैने। जिड्डी उच्ची कुर्सी पिछो रखी, लगता सिगटां दा खोखा। अच्छा चले, उसे कुछ पूछना है आपको? मैंने हीना से एक सवाल पूछना था। क्यों, कामना से भी पूछ ले? नहीं, उनसे भी पूछूंगी, आप पूछ ही रहे थे तो मैंने कहा एक सवाल मैं भी पूछ लूं कि उन्होंने इतने, माशाल्लाह, उनको इतनी ऑफर्स हुई हैं, इतनी खूबसूरत आपकी आवाज है, कभी फिल्मों में गाने की ऑफर हुई है आपको? बिल्कुल, पाकिस्तान से तो मैंने किया है, एक तमन्ना मूवी और एक दो चीज़ों और के लिए साहिर अली बग्गा के साथ, अल्लाह हू किया है मैंने, लेकिन मैं उसको दोबारा रिन्यू करूँगी। अनफॉर्चुनेटली मैं समझती हूँ कि ऐसी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, हमारे पाकिस्तान में नहीं किया जाता। ताकि तू हिना जी नु ते सवाल कर लेने। हाँ। खुर्शायद भी बिनु भी कर लेते। मैं इनकी कटिंग का राज पूछना चाहूंगी, जो इतने सिल्की बाल कैसे करते? एक ही ओले हाथ इंज करके बाला ताड़े उड़ गए ऐसे चक्कर थी इंज इंज करके। नहीं नहीं, वो चक्कर और थे, पूरे हो गए ना, उड़ना बोल। ऐसे कमन, बावसूक जराए से पता लगा है, हमारे भी बावसूक जराए हैं कि आप भी आजकल सूफीज्म के बहुत करीब जा चुके हैं, ये चेंज कैसे आई और इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई आपको? अजोका थिएटर के कुछ प्लेज हैं। अच्छा। एक बुल्ला है जी, और एक है दारा शिको। ओके। अब बुल्ला करने के लिए मुझे 2.5 घंटे का प्लेयर, 2.5 घंटे मैं स्टेज पे होता हूँ। अच्छा। अब वो कैरेक्टर करने के लिए मुझे उनकी हिस्ट्री पढ़नी पड़ी, वो फिर दारा जब शुरू हुआ तो दारा शिको का कैरेक्टर मैं करता हूँ, तो वो दारा शिको करने के लिए मुझे उनकी हिस्ट्री पढ़नी पड़ी, फिर उनके जो असाज़ा थे उनकी हिस्ट्री पढ़नी पड़ी। अच्छा। वो तो इसलिए वो मेरा इंटरेस्ट डेवलप होता चला गया। ओके ओके। तो वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है वो अंदर पैदा होनी शुरू। तो ये बताइए कि ये जो आपने हिस्ट्री पढ़ी है और जो आपने फील किया है, कोई तब्दीली अपने अंदर महसूस किया या सिर्फ पढ़ा ही है? नहीं नहीं, बिल्कुल तब्दीली अंदर है, लेकिन हमारा मुआशरा जो है उसके साथ चलना पड़ता है, हमारा मुआशरा बहुत पीछे है। हमारे माशरे में सूफीज़म को पढ़ने वाले, समझने वाले, उसको फॉलो करने वाले बेशुमार लोग हैं, लेकिन फिर भी हमारे रवैयों में तब्दीली नहीं आती। नहीं, इसकी क्या वजह? यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग जो है ना, मैं देखता हूँ उनको और मुझे बड़ी हंसी भी आती है, और मैं अल्लाह से उनके लिए माफ़ी भी मांगता हूँ कि अल्लाह इनको माफ़ फरमाए। सूफी का सेट लगा लेते हैं, जैसे आपने सेट लगाया होगा कव्वाल का, मुंडे ने साडी हिस्ट्री फड़ी है, कव्वाल बनने की बजाय डांसर बनता जान डे। इतराज किया ना कि तुहाडे सिर्फ वाल नजर आ रहे ने, चेहरा नजर नहीं आ रहा, असीं टिंड करा के भी वेख्या चेहरा नहीं नजर आ रहा। जी अगर
आप थोड़ा सा मुझसे सीखें तो बहुत अच्छा लगेगा। ना ना आप सिखाएंगे इनको। नहीं नहीं ये किस सिखा सकते हैं? ये सिखा सकते हैं, ये वो चीजें सिखाएंगे जो इन्होंने नहीं करनी। वैसे पूछो भलाई की सिखा सकते हैं क्या? ये सिर्फ इतना सिखा सकते हैं कि फंक्शन तो बगैर जिंदा केंज रहना। ये बिजली गैस दे मीटर तो बगैर रहना भी सिखा सकते हैं। ये तुहानू बगैर पेट्रोल तो मोटरसाइकिल चलानी सिखा सकते हैं। देखो हर चीज तो बगैर जीना सिखा सकता कौन? कौन? इमरान खान। चले खवातीन हज़रात, पुरानी सी बात की है, ऐवी सी बात की है, इस ऐवी सी बात पे एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा। जी तो नाज़रीन इस वक्त हुआ है तंजो मजाक के सबसे पॉपुलर सेगमेंट का, जिसका नाम है दिमाग की बत्ती चलाओ। काशिफ भाई आज पला मैं किस बंदे नु कहना चाहना दिमाग दी बत्ती जलाओ? किसको? ओ शख्स जेड़ा कहंदा मैं दुनिया दी हर गल बर्दाश्त कर लांगा। हाँ। लेकिन पैड़ी गल मेरे कोलो बर्दाश्त नहीं होंदी। अच्छा। ओ वीरे दिमाग दी बत्ती जलाओ, पैड़ी गल ही ते बर्दाश्त करी दी। आहा बहुत खूबसूरत बात। और मुझे लगता है कि दिमाग की बत्ती जब बंद होती है ना तो हम अपने ऐबों पे पर्दा डालना चाहते हैं कि हमारे ऐबों पे पर्दा डला रहे, लेकिन हम इस टो में रहते हैं कि हमें कुछ मिले कि हम लोगों के ऐबों से पर्दा उठा लें। अल्लाह ताला हम सब के ऐबों पे पर्दा डालता है। यकीन कीजिए जिस दिन उसने ऐबों से पर्दा उठाना शुरू किया ना तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। और ये सब क्यों होता है? जब हमारे दिमाग की बत्ती जो है वो बंद होती है। तो देखना ये है कि आज के हमारे जो सुपर डुपर मेहमान हैं इनके दिमाग की बत्ती किस कदर रोशन है। तो शुरू करते हैं कामरान साहब से। कामरान आपसे एक सवाल होगा, चार आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, आपने उसमें एक की सिलेक्शन करनी है। आर यू रेडी? जब भी हमारे किसी गेस्ट को हम कहते हैं दिमाग की बत्ती जलाओ, आगे से आवाज आती है टिन टिन। ओके काफी लंबी आवाज आई, लगता चोरी की बत्ती लगी। अच्छा कामरान ये बताइए कि अगर आप एक्टर ना होते तो इन चारों में से क्या होते? ऑप्शन नंबर वन, आप मार्केटिंग में होते, आप बैटिंग कर रहे होते, आप सियासत में होते, या आपके नान चने बहुत मशहूर होते? मैं क्रिकेट खेल रहा होता। मुझे लगता है आपके नान चने बहुत मशहूर होते। वैसे पसंद बड़े हैं मुझे, मुजाहिद कुल चलिए की नान चने। अच्छा जी, आपने शहजादे अंबर का किरदार किया जो माजी में बहुत ही पॉपुलर हुआ, अगर सचमुच शहजादा अंबर बन जाए तो किस दौर में आप वापस जाना चाहेंगे? फिरौन के दौर में आप जाना चाहेंगे? आप सिकंदर आजम के दौर में जाना चाहेंगे? आप अंग्रेज दौर में जाना चाहेंगे या फिर आप मुशर्रफ दौर में वापस जाना चाहेंगे? सिकंदर आजम के दौर में ज्यादा देखा। अच्छा, मुशर्रफ ने क्या बिगाड़ा है आपका? नहीं वो ये तो देख लिया ना। अच्छा, वो देखता जाके एड्डा दूर की लैंड जाना हो तो ना कोई रक्षा ना गड्डियां ना घोड़ियां ना फिरी जाना। हल्का जो बाइकिंग भी है ना। अच्छा ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि इन चारों फिल्मों में से आपको किस फिल्म का हीरो होना चाहिए और आप बेटर करेक्टर अदा करते हैं? पहली ऑप्शन ग्लैडिएटर, दूसरी दी मास्क, तीसरी देवदास, या फिर चौथी हुमायूं गुज्जर? हाँ निकल, क्योंकि पाकिस्तान की बात है तो फिर हुमायूं। नहीं नहीं, दिल की बात होता है ये। दिल की बात जो है वो तो फिर ग्लैडिएटर। मेरे उस्ताद भी देखो रेडिएटर। अच्छा जी, आपको फिल्म में हीरो लिया जा रहा है और आपको ये ऑप्शन दी जा रही है कि हीरोइन का इंतखाब भी आप खुद ही कर लें, ठीक है जी, तो इन चारों में से आप अपनी हीरोइन कौन सी मुंतखब करेंगे? दीपिका पेडुकोन, केट विंसलेट, मैविश हयात, या फिर राखी सावंत? यार आखिरी में आप हंसते क्यों हैं भाई? मैविश हयात ठीक रहेगी। नहीं तुसी राखी सावंत रख लो, नाल चाची सावंत भी आ जाएगी। अच्छा जी, अब मैं कुछ पर्सनैलिटीज़ के नाम लूँगा, कोशिश कीजिएगा कि आप कोई इनको ड्रामे के टाइटल देना चाहें, अगर नहीं तो एडवाइस देना चाहें, वो भी नहीं तो कोई कमेंट आप करना चाहें, ठीक है जी। फर्स्ट पर्सनैलिटी हुमायूं सईद, आपके ख्याल में क्या है? हुमायूं सईद एक स्टार है। मेरे पास तुम हो हाय हाय, हमारे पास तुम हो हुमायूं सईद के लिए ताली होनी चाहिए। और क्या ड्रामा सी, क्या बात। मेरे पास तुम हो, मेरे तो भी एक ड्रामा होना चाहिए था, पला केड़ा? केड़ा? मेरे पास तुम क्यों हो? है उस्ताद जी, एक बारी भाभी नूं कहंदे मैं घर च बकरा रखना, वो कहंदी नहीं मेरे पास तुम हो। अरे वाह। अच्छा जी, नेक्स्ट पर्सनालिटी जिनको आपने फॉलो किया और वो हमारे भी पाजी हैं, नबील पाजी। हाँ नबील पाजी, ड्रामे का टाइटल
मैं मर गई शौकत अली। मैं मर गई शौकत अली, वाह जी वाह। चलो जी माहिरा खान। माहिरा खान हमारे पाकिस्तान का बड़ा नाम, सुगंधी। अच्छा जी नेक्स्ट पर्सनैलिटी। मुझे पूरा यकीन है कि मैं पर्सनैलिटी का नाम लूंगा तो एक मुस्कुराहट आएगी कामरान मुजाहिद साहब के चेहरे पे, जनाबे बिलावल भुट्टो जरदारी। हाँ बिल्कुल, उनको वैसे कॉमेडी करनी चाहिए। तो रहे हैं, काम पे टांग तो रही होंगी। बाकी काम पे टांग, इससे बड़ी कॉमेडी क्या हो सकती है? काम नहीं, पे टांग बड़ी भी उन्होंने की थी। क्या? बारिश आता है तो पानी आता है। वो पुरानी है लेकिन कॉमेडी काम पे टांग रही है। अच्छा मुझे ये लगता है कि वो सियासतदानों की मीरा है। बिलावल भुट्टो साहब आप सियासतदानों की मीरा, ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहा है कामरान मुजाहिद। देखिए मीरा हमारे पाकिस्तान की स्टार है तो वो सियासतदानों के स्टार है। ठीक है चलो जी नेक्स्ट, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। ड्रामे का टाइटल जो है तू चल में आया, बकरा किस्तों पे। बकरा किस्तों पे आए हाय। देखो नवाज शरीफ का कहना सी उन्हें बकरे दा ना लाके तैनू भी विच पा दता। अच्छा जी लास्ट बट नॉट लीस्ट इमरान खान। इमरान खान क्रिकेटर। और ड्रामे का टाइटल? ड्रामे का टाइटल मलंगी। मलंगी खान साहब आप मलंगी है। चले जी अब चलते हैं हिना जी की तरफ। चलो पूछो यार फिर हो जाइए, माशाल्लाह बड़े लोग ने। मैं आखिरी दफा बता रहा हूँ, कल से नहीं बताऊंगा। अच्छा चलो ठीक, अब चलते हैं का मतलब ये है कि अब हिना जी की बारी है, उस तरफ चलते हैं। तुसी यही कह ले करो अब हिना जी की बारी है। ओ तुसी बच्चे हो, तुसी रोटी नहीं चोची कहंदे हो, तुहानू नहीं पता। ते भाई तू सीधी गल कर ले, कुकड़ी दे पंजे नाल खुरक करन वाले आ। चलो जी अब चलते हैं जी हिना आपके लिए सवाल एक, ऑप्शन चार आपने एक को सेलेक्ट करना। सूफी गायकी के अलावा आपको क्या लगता है कौन सा फॉर्मेट में आप सूट करती हैं, आपकी आवाज आप अच्छा गा सकती हैं? गजल, मिली नगमे, ठुमरी या फिर टप्पे? प्लेबैक सिंगिंग गायती हूं। प्लेबैक सिंगिंग, उसमें कुछ भी आ सकता है। चलो ठीक है, इनमें से किस मेल सिंगर के साथ जो है आपको ये ख्वाहिश है कि आप उनके साथ गाएं? मेहंदी हसन खान साहब, खान साहब नुसरत फतेह अली खान साहब, मोहम्मद रफी साहब या फिर मंसूर मलंगी? काजल पे या फिर कामरान मुजाहिद की फेवरेट मीरा पे? रीमा पे। आपके पास कौन सी कीमा पॉलिसी है? ऑप्शन नंबर वन करेले कीमा, ऑप्शन नंबर टू कचनार कीमा, ऑप्शन नंबर थ्री आलू कीमा, एंड नंबर फोर प्याज कीमा। यार तुसी सानू ये दसो, ये सवाल कर रहे हो कि साड़ी मौत कराऊं दे। जी आपके पास कौन सी जो है कीमा पॉलिसी बेस्ट? कीमा करेले। कोई पता नहीं भरे करेले बालों च भी लुका लेंगे। कोई पर्सनैलिटीज के नाम लूंगा, आपने कोई भी कॉमेंट उनके बारे में करना। फर्स्ट पर्सनैलिटी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, आपकी नजर में क्या है? बहुत जल्दी रिस्पांस देते हैं। बहुत जल्दी रिस्पांस देते हैं। अच्छे आदमी हैं इसके मतलब। ये नहीं बारिश हो रही है तो फौरन से पहुंच जाते हैं। वाह जी वाह, क्या गहरी और सच्ची बात है। दस्त है बारिश दा, नहीं तो मैं घबरा गया, रिस्पांस तो वाकई बड़ी छेती देंगे। चलो जी नेक्स्ट पर्सनालिटी मरियम नवाज साहिबा। मैंने तो खैर उनको नात पढ़ते हुए सुना है, बड़ी अच्छी नात पढ़ती हैं वो। और पूरा खानदान ही सुरीला है, शहबाज शरीफ के सुरीली है वो। और अभी मुझे लगता है कि नेक्स्ट वजीर आजम भी बन सकती हैं पाकिस्तान। ओके चले ना, लास्ट बट नॉट लीस्ट इमरान खान। कोई एडवाइस करें इमरान खान उनके लिए? बहुत सारी होप्स है, मैं चाहती हूं कि वो कुछ करें पाकिस्तान के लिए। स्टिल यू हैव अ होप ऑन इमरान खान? बिल्कुल। चलें जी इमरान खान साहब एक और होप जो है आप पे जिंदा है और वो है दी वन एंड ओनली हिना नसरुल्लाह। चलें जी माहौल को थोड़ा सा चेंज करते हैं, आपकी इजाजत से हम आपको एक खूबसूरत कलाम सुनाते हैं। और कलाम सुनाने के लिए हमारे पास हमारी अपनी आवाज है आपकी बहुत सी तालियों में, निमरा मेरा। अरे आई थिंक इब्रारुल हक साहब ने बहुत खूबसूरत लिखा है,
और जितना उन्होंने लिखा है उसमें से ये बहुत ही खूबसूरत उन्होंने शायरी लिखी है, उसको बहुत खूबसूरत अंदाज में गाया। इसमें एक लफ्ज़ है, कम से कम मुझको लौटा दे वो रूह और जिस्म की जंग जंग। मैंने इब्रार भाई से पूछा, मैंने कहा ये आप क्या कहना चाह रहे हैं, तो बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने की। वो कहते हैं कि एक वक्त था कि जब मस्जिद में अजान होती थी तो मेरी रूह और जिस्म की जंग होती थी। मेरी रूह कहती थी कि नमाज पढ़ ले और मेरा जिस्म कहता था चल रहने दे। तो मैं अल्लाह से कह रहा हूँ कि कम अज़ कम मुझे वो जंग ही लौटा दे, वो रूह और जिस्म की जंग जंग। तो इब्रार साहब आपके लिए भी बहुत सी तालियां और निमरा आपके लिए भी बहुत सी तालियां। तो नाज़रीन इस पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा। जी तो नाज़रीन वेलकम बैक, अपना छोटे मियां दाद जी उस्ताद बड़े मियां दाद। ये बेटा मैनू समझ नहीं आन दी के प्रमोटरां दा साडे वल क्यों नहीं ध्यान पैण दिया। हाय हाय उस्ताद जी, जदों बंदा लंगर वाली लाइन च खलोता होवे प्रमोटर दा ध्यान नहीं पैंदा। बेटे तू लंगर वाली लाइन दी गल करन दे, मैं बिल वाली लाइन च खलोता रहे फिर नहीं ध्यान पिया। उस्ताद जी तुसीं किस दिन रेलवे लाइन ते खलोवो ठीक उस टाइम जदों गड्डी आ रही होवे, देखना ध्यान पवे ना पवे कीमा तुहाडा हो जाए। मैं कहना तू एडी अच्छी गल कीती, चेहरा थोड़ा जिहा इधर नूं करी। लो उस्ताद लख लानत। उस्ताद जी किस दिन महंगी हो गया ना तो होस्ट से पै जानी तुसी फंस जाना। नहीं नहीं मैं अपना सर डाउन कर लूंगा। अच्छा कमल ये बताइए कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ फिल्म एक्टर एंड टीवी एक्टर आपके ख्याल में, क्योंकि आप तो अब माशाल्लाह दोनों ही एक्टर हैं। टीवी जो है वो क्लोज मीडियम है। अच्छा क्या फिल्म में क्लोज नहीं होते? नहीं फिल्म में क्लोज होते हैं लेकिन फुल बॉडी परफॉर्मेंस होती है। जी थिएटर और फिल्म में थोड़ा सा फर्क है। ओके टीवी और फिल्म में बहुत फर्क है। ओके वो करके भी पता चला और कुछ वर्कशॉप्स की हैं ऐसी। अच्छा हमसाया मुल्क में भी और फिर इंग्लैंड में वर्कशॉप। अगर अफगानिस्तान में आपको स्टेज ड्रामे की ऑफर हो तो कबूल करेंगे? मैं बिल्कुल करूंगा। अच्छा ना, करना एक बार उस्ताद गए सर अफगानिस्तान। हाँ जी फिर बस दसने वाली गल नहीं दफा कराओ। नहीं, 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 नहीं बताओ। चरगा खुआया उस्ताद जी ने। अच्छा हाँ बारूदी चरगा। ये कौन सा होता है? वो रॉकेट लॉन्चर दे अगे ला के ना डज करके छड़े उन्होंने। फिर उस्ताद जी मुंह नाल कैच करके ले आए सर। क्या चरगा। आपने फिल्म साया खुदाए जुलजलाल, बड़ा मुश्किल नाम है यार, SKG। SKG उसमें आपने मेजर अजीज भट्टी शहीद का रोल किया। जी बिल्कुल। और मेरा ख्याल है ये एजाज की बात है। क्या फीलिंग थी मेजर साहब का? हमारे तो हीरो हैं और मेरे ख्याल है अनडाउटली जो चंद हीरोज पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किए हैं उसमें मेजर अजीज भट्टी शहीद है, उनके लिए बहुत सी तालियां। जी फीलिंग्स, एक तो ट्रेनिंग हुई हुई है, ट्रेनिंग करवाई थी ISPR जब प्रोजेक्ट्स कर रहा था तो वो पहले ट्रेनिंग करवाते हैं। अच्छा जब ओरिजिनल शहदा का वो काम करवाते हैं। क्या बात। खैर वो जब अजीज भट्टी साहब का कैरेक्टर कर रहा था क्योंकि मैं इनकी फैमिली से मिल चुका हूँ। अच्छा मैं मिल चुका हूँ। क्या बात। तो इसलिए वो सारे चीज़ों का पता था। यूनिफॉर्म जब पहन लिया ना, यूनिफॉर्म पहनने के बाद, और मेरे साथ नुमान एजाज साहब भी थे, असद साहब भी थे। जब यूनिफॉर्म मैंने पहन लिया तो यूनिफॉर्म पहनने के बाद ना वो चेंज ही हो गया था बिल्कुल। क्या बात। यानी कि वो मुझे यूं फील आ रही थी, यूं फील, क्योंकि सामने इंडियन टैंक भी थे, इंडियन फ्लैग भी नज़र आ रहा था, इंडियन यूनिफॉर्म भी नज़र आ रहा था, तो वो एक वो अंदर ना पैदा होना शुरू हो गए थे। वो बड़ा वो मैं बहुत सेट के ऊपर बड़ा मैं हाइपर हुआ हुआ था उस वक्त, क्योंकि सच्ची चीजें जब आप पहनते हैं और पाकीजा चीजों को जब आप फील करते हैं तो फिर यही कुछ फील होता है। ये बताइए शॉर्टली बताइए कि हीरो बनना ज्यादा मुश्किल है या एक्टर? हाँ हाँ बहुत अच्छा। एक्टर बनना ज्यादा मुश्किल है। अच्छा हीरो तो आजकल तो बहुत आसान। आपको क्या लगता है ये बड़े खान साहब हीरो आ सकते हैं? ये बिल्कुल हीरो आ सकते हैं। फिल्म का नाम क्या होगा? फिल्म का नाम होगा जंगलों का बादशाह और चलेगी दोज़ख। अच्छा ये बताइए हिना जी कि स्कूल कॉलेज में भी आप नात खानी किया करती थी? जी बिल्कुल। बहुत ही मशहूर होंगी। मेरी वजह से कई दफा क्लास में सबको माफी मिल जाती थी काम ना करने की वजह से। ओके ये बताइए घर में के कामकाज में कोई कुकिंग में कोई हाथ बटाती हैं? कुछ आपको मौका मिलता है कुकिंग करने का? मुझे बहुत शौक है घर को सजाना, चीजों को मेंटेन करना। अच्छा, किचन का शौक नहीं है? किचन में जाना बहुत जरूरी है क्योंकि मेहमान आने हो या खुद खाने की शौकीन हूँ। आजकल आप शौक से अपने घर के लिए इफ्तारी बना रही होंगी, क्या बनाती हैं इफ्तारी? ज्यादा मुझे फ्रूट चाट और दही बड़े जो होते हैं पसंद। अच्छा तो कभी आपको लेट नाइट भूख लगे तो खुद कुछ बनाती हैं या फिर कुछ ऑर्डर कर लेती हैं?
नहीं वो घर में हमने वो बारबेक्यू का वो रखा होता है जब दिल करे रात में वो बना। अच्छा, रात 3 बजे भी भूख लगे तो उसको ऑन करती है? बिल्कुल कर लेते हैं। खान पीन दे बड़े सवाल कर रहे हो, की गल अजकल तुहानू घरों कख नहीं मिलता जनाब? देखो की जिंदगी है, एडे वड्डे स्टार होके ते आप बनांदे ने। साडी भाभी हुणी आर्डर करदे राती 3 बजे भी ते पकाण लग पैंदे ने उठ के। सिर्फ ये? हाँ जी, अगला आप भी पकाउंदा। ए, मैं अकेला नहीं हूँ, कामरान भी मेरे साथ ही होता है ना कामरान? ओके। अच्छा हुण भूख लगी, कुछ मंगा लो फिर। अरे वाह वाह वाह, अस्सलामु अलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, दिस इज योर पिज्जा। कामरान आपका नाम है? नहीं, आप हैं सर? सर आपका पिज्जा। एक सेकंड, पहले ये तो बताइए कि आप हैं कौन? सर मैं फूड खांदा की तरफ से आया हूं। मैंने तो नहीं मंगवाया पिज्जा सर, लेकिन एड्रेस तो यही था सर। ये मेरी लक है कि ये निकल आई है, ये आज के बाद मेरी। अगर मुझे किसी ने कहा कि वापस करो तो मैंने 150 रुपए की आप रख ले, खैर कोई गल नहीं, 150 रुपया बचाना बड़ी औखी गल है। एक और निकल आई है, टाइम कट के मर जाई है। यार तुसी नाना लिया ते मेरे ते पै जाना। तुसी एक बारी खरीदो ते सही। यार देखो मेरी गल सुनो, ये मेरे ते पै जाना पिज्जा तुहाडी बेड़ी। इससे पहले कि मैं सिक्योरिटी को बुला के आपको उठा के बाहर फेंक दूं, मेरा शो खराब मत कीजिए और जाइए यहाँ से। आप पिज्जा नहीं मंगाया? पिज्जा खा लो, पिज्जा खा लो, उना खा भी लेने मैनू पता है। एक पिज्जा जरा चख के देखो। तू फूड खांदा तो आया ना? जी फूड खांदा, खांदा खांदा ही चला जा तेरी मेहरबानी। यार ए पिज्जे ते लिख दे एदे नाल हैप्पी बर्थडे टू यू। छड़ दे यार तू विच बकरी है। नहीं लेना पिज्जा। क्या क्या निकल रहा है उसके अंदर से यार। अच्छा जिथे पिज्जा बेचन जांदा ना, हां जी, कस्टमर दा सिर ही इन्ना दर्द हुंदा, उहनू बाद च पैनाडोल भी देंदा। फूड खांदा सब कुछ देंदा। अच्छा अच्छा, ये पिज्जा देने तो पहले नाल पिज्जे नु टाई भी लाउना ए नलकी धागा भी निकल गया यार। आवाज सुनो यार, ये बंद करो, ये सब बंद करो ये। अच्छा यार, एक चीज विचो ना निमरा दे मतलब दी भी निकल आई जे। अरे पुत्र जुआ कड उठे बैठ। सही सही सही। हाय हाय, ओए तू पिज्जे वाला के कबाड़ दा काम कर। जिथे भी जाता है ना पिज्जा डिलीवर करन, यकीन ने मोटरसाइकिल तो डिगदा भी जे। क्यों भी रखे सर, आप फिर पिज्जा नहीं लेंगे? नहीं, हैरान हूँ वैसे मैं। क्यों यार, जो डिलीवर करता है आप उसको जलील करते हैं, हाय हाय, और जो आपको डिलीवर नहीं करता उसके आप नारे लगाते हैं। और देखी ट्रक के नीचे ना आ जाए, इतनी अच्छी बात कर गया यार तू तो। नहीं नहीं, ट्रक थले नहीं आएगा, ट्रक के देते आएगा। हीरा जी आपका बहुत शुक्रिया, कामना बहुत मजा आया आपके साथ। तो खवातीन और आजाद, ये था आज का प्रोग्राम, लेकिन जाने से पहले मैं वासिफ अली वासिफ साहब की एक और सेइंग आपके साथ जो है वो शेयर करना चाहता हूँ। वासिफ साहब ने कहा कि ऐसे लोगों की मदद करो जिनका चेहरा सवाल होता है, जिनकी जुबान पे सवाल नहीं। यानी कि हम उनकी मदद करते हैं जिनकी जुबान पे सवाल होता है, जिनके चेहरे पे सवाल होता है
उनको तलाश कीजिए और उनकी मदद कीजिए। अपना और अपने रोजों का बहुत ख्याल रखिएगा। ये था आज का प्रोग्राम तंजो मजा। देखते रहिए तंजो मजा, पाकिस्तान जिंदाबाद।